एग्जाम्पल नंबर वन क्या गिवेन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस, ठीक है, व्हेन अ कॉइन इज टॉस वंस, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। तो इससे प्रीवियस वीडियोज में हमने पूरा कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट और जो प्रोबेबिलिटी हम क्लास टेंथ में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, उसका क्लास नाइन से क्या डिफरेंस है, ये पूरा दोनों कॉन्सेप्ट हमने दोनों टॉपिक कवर किया है प्रीवियस वीडियोज में, ठीक है। तो वहाँ पर ये डिफरेंस निकल के आया कि यहाँ पे जो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे वो कौन सा प्रोबेबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया समझाया उसे, ठीक है। यहाँ देखिए जो क्लास टेन में पढ़ना है वो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी है, और कहीं भी थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी नहीं लिखा रहेगा, हर जगह प्रोबेबिलिटी लिखा रहेगा, ठीक। क्लास नाइन में कौन सा प्रोबेबिलिटी पढ़े थे, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट पे बेस होगा, रिपीटेशन पॉलिसी पे बेस होगा, और यहाँ जो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी पढ़ी जाएगी वो अजम्पशन पे बेस होगा, और आउटकम जो होंगे सारे इक्वली लाइकली। इसका मीनिंग ये है जितने आउटकम्स होंगे सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग कर रहे हैं। तो हाँ, और फार्मूला क्या था, यहाँ जो फार्मूला हमें यूज करना है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। और क्लास नाइन्थ में हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, एक्सपेरिमेंट में बेस्ड था, तो हमें ट्रायल करने पड़ते थे, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स फेवरेबल टू इवेंट ई, नंबर ऑफ टोटल ट्रायल, तो ये डिफरेंस था, मैंने वीडियो में समझाया, देख लीजिएगा। और यहाँ देखिए, तो हमें यहाँ एक्सपेरिमेंट क्या है, टॉसिंग कॉइन, क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। तो सबसे पहले हमें टोटल आउटकम्स लिखना होगा, पहचानना होगा। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, टॉसिंग अ कॉइन वंस, एक बार, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, हेड टेल, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मिल गए दो। इवेंट क्या है, दो इवेंट हैं यहाँ पे, ठीक है, गेटिंग अ हेड एंड गेटिंग अ टेल। तो ई जो है, गेटिंग हेड को इवेंट ई मान लिया गया है, और जो गेटिंग टेल है उसे इवेंट एफ मान लिया गया है, ई और एफ दो इवेंट है हमारे पास, तो यही यहाँ लिखा है, लेट ई बी इवेंट गेटिंग हेड, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, गेटिंग हेड इज वन, और ठीक है फॉर्मूला लिख दिया गया है। और इसमें क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, तो हेड कितने टाइम्स है, वन टाइम्स, टोटल आउटकम्स टू टाइम्स, वन बाई टू, ये आंसर हो गया। और ये इवेंट गेटिंग टेल, तो वही नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एफ हो जाएगा यहाँ पे, एफ का मतलब है गेटिंग टेल, कितने टाइम्स टेल है, वन, टोटल टू। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, सिंपल फार्मूला पुटिंग कैसे करनी है, डाटा कैसे पहचानना है, आउटकम्स और इवेंट ई और एफ कैसे पहचानना है, तो ये पहला एग्जाम्पल इसलिए गिवन है, सिंपल्स एग्जाम्पल है, ठीक है, अगला समझिए। और इन्होंने एग्जाम्पल के साथ साथ कुछ पॉइंट्स भी समझाते जा रहे हैं रिमार्क में, वो भी हम समझते जाएंगे साथ ही साथ, ठीक है। तो एग्जाम्पल टू देखिए, अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, ब्लू बॉल, येलो बॉल, तो एक बैग में तीन बॉल हैं, तीनों अलग अलग कलर के हैं, रेड ब्लू येलो, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज के हैं, कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, बिना देखे वो एक बॉल बैग से निकाल रही है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट, द प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है किसका, वह येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, और ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो तीन इवेंट हो गए हमारे पास, एक्सपेरिमेंट हमारा है ड्राइंग अ बॉल, बॉल निकालना, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, और इवेंट तीन है, येलो बॉल निकालना, रेड बॉल निकालना और ब्लू बॉल निकालना, तो तीन इवेंट है। तो यहाँ पे उन्होंने जो इवेंट माना है, इसको वाई मान लिया है, इसको आर, इसको बी। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इन टू इट, ये हो रहा है, सो इट इज़ इक्वली लाइकली दैट सी टेक्स आउट एनी वन ऑफ देम, ठीक है। हाँ, एक और पॉइंट हमने समझा था वहाँ पर, जब हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, कि एक ही एक्सपेरिमेंट में कि जितने एक्सपेरिमेंट हैं क्या सब के आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं, ये मैंने वीडियो में समझाया है पिछले में वीडियो में,
कि एक ही आउटकम्स में, हाँ पहले तो ये पॉइंट समझना था कि एवरी एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम्स हैं क्या सभी इक्वली लाइकली होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोर बॉल और वन बॉल का एग्जांपल था, तो ये समझाया था कि नहीं ऐसा नहीं होता है। जब बॉल जो है कलर बॉल जो हैं उनका नंबर इक्वल नहीं होगा तो वो इक्वल अगली नहीं होंगे। ठीक है, और इसी एक्सपेरिमेंट में ये भी समझाया गया था, ठीक है, कि बिना कलर के यदि बॉल निकालने की प्रॉबलिटी पूछता है विदाउट कलर, कलर में मेंशन ना हो, तो वो इक्वली लाइकली हो जाएंगे। पांच बॉल हैं, पांचों बॉलों को निकालने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली हो जाएगी। तो एक ही एक्सपेरिमेंट में दोनों केस हो सकते हैं कंडीशन चेंज करके। तो ये मैंने डिटेल में समझाया, वहाँ आप समझ सकते हैं। तो यहाँ भी यही कंडीशन है कि तीनों एक सिंगल सिंगल बॉल है, नंबर ऑफ कलर बॉल इक्वल हैं, इस कारण से, इस रीजन से, तो यहाँ जो आउटकम्स होंगे इक्वली लाइकली हो जाएंगे। लेकिन जो नंबर ऑफ कलर बॉल डिफरेंट होते तो ये आउटकम्स जो इक्वली लाइकली ना होते हैं। तो वाई बी द इवेंट बॉल टेकन आउट इज येलो, तो वाई को ऐसा इवेंट माना जा रहा है, येलो बॉल निकाल रहे हैं उसको इवेंट को आई माना जा रहा है। बी बी द इवेंट बॉल टेकन आउट द ब्लू, ब्लू बॉल निकालने का जो इवेंट है उसे बी माना जा रहा है। और आर बी द इवेंट बॉल टेकन आउट इज रेड, और रेड बॉल निकालने का जो इवेंट है उसे आर माना जा रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, तीन बॉल है, थ्री हो गया। पहला वाला इवेंट वाई, तो वाई बॉल कितने हैं, सॉरी येलो बॉल कितने हैं, वन, तो 1/3, रेड का भी 1/3 और ब्लू का भी 1/3। इस तरह से ये दोनों एग्जांपल कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब यहाँ से क्या पॉइंट निकला, वो जो पॉइंट निकला वो वहाँ समझा रहे हैं रिमार्क में कि कोई भी एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम से रिजल्ट हैं यदि केवल एक है, ठीक है, तो उसे एलिमेंट्री इवेंट करेंगे। किसी एक्सपेरिमेंट के इवेंट में केवल एक आउटकम है, जैसे एग्जांपल नंबर टू में था, ठीक है, वाई आर बी तीनों इवेंट में एक एक आउटकम थे, तो इसे एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल नंबर वन में भी था, हेड का और टेल का दोनों के आउटकम 1-1 थे, और यहाँ पे बॉल का, तो इन सबको एलिमेंट्री इवेंट कहा जाएगा। और सारे एलिमेंट्री इवेंट के सम करें, एग्जाम्पल वन में भी दोनों को 1/2 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, एग्जाम्पल टू में भी वाई आर बी ये जो प्रॉबलिटी आ रही है 1/3 ऐड करेंगे तो बन जाएगा। तो यहाँ से एक पॉइंट हमें मिला कि सम ऑफ प्रॉबलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1, किसी एक्सपेरिमेंट के सभी एलिमेंट्री इवेंट को किसी एक्सपेरिमेंट के सभी एलिमेंट्री इवेंट की प्रॉबलिटी को जब हम सम करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। और ये दिस इज ट्रू इन जनरल ऑल्सो, मतलब ये सभी एक्सपेरिमेंट के लिए ट्रू है। तो ये जनरलाइज हो गया। अब आते हैं एग्जाम्पल थ्री, समझिए। सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, एक बार डाई फेंका जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है, चार से ज़्यादा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, चार के बराबर और चार से कम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, दोनों इवेंट। तो फर्स्ट इवेंट है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, सेकेंड इवेंट है नंबर लेस देन आर इक्वल टू 4, ठीक, लेस देन आर इक्वल टू 4, और एक्सपेरिमेंट इज थ्रोइंग अ डाई, पासा फेंकना, डाई को हिंदी में पासा बोलते हैं, हिंदी वाली बुक में पासा लिखा रहता है। ठीक है, तो इसे वही किया गया है, तो जो गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4 को इवेंट ई मान लिया गया है। और हाँ, सबसे पहले पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, तो एक डाई को फेंकेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल आउटकम 6 होंगे। और एक कंडीशन वहाँ पे दिखा गया था कि सारे हम फेयर कंडीशन लेंगे, जो भी एक्सपेरिमेंट वो फेयर होना चाहिए, अनबायस होने चाहिए, ठीक है, और सिमेट्रिकल, ये सब कंडीशन यहाँ पे हम पीछे पड़े थे। ठीक है, इस पैराग्राफ में, ब्लॉक में हमने ये पढ़ा था। तो ये तो होगा ही, अनबायज होना चाहिए, ये तो इक्वली प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगा, टी आउटकम्स हमारी इक्वली प्रोबेबिलिटी है, सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी 1/6 की, सारे नंबर की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। और आते हैं इवेंट ई पे, इवेंट ई भी कहा गया है गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 इवेंट ई में जो आउटकम्स क्या मिलेंगे, 5 और 6, तो जो आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई है वो क्या हो गया, 5 और 6, मतलब कितने आउटकम मिले, 2, टोटल आउटकम 6, तो
तो फॉर्मूला लिखकर हो जाएगा फेवरेबल टू इवन टीथ, 2/6 दैट इज 1/3। और सिमिलरली जो है गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 है, तो एफ को हमने मान लिया इवन, गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। तो लेस देन इक्वल टू 4 कितने आउटकम्स हमारे पास मिलेंगे, कौन कौन से, 1, 2, 3, 4, टोटल कितने हैं ये 4। तो इस इवेंट एफ का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/6, 2/3 सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी तो ये सिंपल सिंपल है सब। तो एग्जांपल नंबर 3 हो गया है, अब आगे देखिए। ठीक है, एक पॉइंट और यहाँ समझ लीजिए, एग्जांपल 1 और 2 में तो हम एलिमेंट्री इवेंट का कॉन्सेप्ट देख लिया है। यहाँ समझिए, यहाँ पे जो ई और एफ दो इवेंट हमने लिया है, तीन के जो आउटकम्स हैं वो कितने हैं, 2। ई के लिए 2 आउटकम्स हैं और एफ के लिए 4 आउटकम्स हैं, 4 आउटकम्स हैं, सिंगल नहीं है। सिंगल होता तो एलिमेंट्री इवेंट बोलते थे। यहाँ जो इवेंट जो क्वेश्चन पूछा है, इवेंट ई और एफ जो हैं वो एलिमेंट्री इवेंट नहीं है क्योंकि इसके आउटकम्स एक से ज़्यादा हैं। समझ में आ गया। तो देखिए, आर द इवेंट ई एंड एफ इन द एग्जाम्पल एवर एलिमेंट्री इवेंट्स, तो ई एफ जो है वो एलिमेंट्री इवेंट है इस एग्जाम्पल में, दे आर नॉट, ये नहीं है क्योंकि इवेंट ई हैज़ 2 आउटकम्स एंड इवेंट एफ हैज़ 4 आउटकम्स। तो ये मैंने समझा दिया है। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू ये क्या रिमार्क समझा रहे हैं, क्या पॉइंट समझा रहे हैं वो समझते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट एग्जांपल में दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे ई और एफ के, तो 1/2 1/2 1 आ गया। ठीक है, ई क्या था, गेटिंग हेड, और एफ कौन सा इवेंट था, गेटिंग टेल। ठीक है, और एग्जांपल नंबर जो अभी हमने 3 वाला किया है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी ई और एफ को ऐड करेंगे 1/3 और +2/3 आ गया, ए भी बनाया। ठीक है, तो ई क्या था, गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4 और गेटिंग नंबर लेस देन इक्वल टू 4 एफ था हमारा इवेंट। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 4 इज सेम एज द गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि 4 से गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 4, ठीक है, 4 से बड़ी वैल्यू नंबर नहीं होनी चाहिए, 4 से बड़ी नंबर नहीं होना चाहिए, ये सेम इक्वल है टू गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, 4 के बराबर और 4 से छोटी नंबर पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4 से बड़ी ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों सेम है, दोनों सेम इवेंट हैं क्योंकि दोनों का सेम आउटकम्स आएगा। ठीक है, एक बार और करते हैं, गेटिंग अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ी नंबर, 4 से बड़े नंबर होना, ठीक है, 4 से बड़ा नंबर ना होना और 4 के बराबर और 4 से छोटा नंबर होना, दोनों सेम इवेंट हैं। समझ में आ गया होगा, एंड वाइस वर्सा। तो इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एवर एफ इज नॉट सेम एज एफ इज एफ नॉट सेम एज नॉट ई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या एफ जो है वो नॉट ई के सेम है या नहीं, इसका मीनिंग है समझ में, यस इट इज। ठीक है, यदि हम इवेंट ई की प्रॉबर्टी 1/2 आ रही है तो इवेंट ई ना होने की प्रॉबर्टी भी तो 1/2 आएगी। यदि फर्स्ट इक्वेशन जो एग्जांपल था हेड, ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी थी और ये टेल आने की प्रोबेबिलिटी, यदि हम कहें ई नहीं होना है, ठीक है, इवेंट जो है वो ई नहीं होना चाहिए, ई नहीं होने का मतलब क्या, हेड नहीं होना चाहिए, और हेड ना होने का मीनिंग क्या है, टेल होना चाहिए। यही वो कह रहे हैं, यदि हम ई में नॉट लगा दें कि हमें इवेंट ई नहीं चाहिए तो हमें कौन सा इवेंट मिलेगा एफ। इसी तरह से समझिए, यदि ये कहा जाए कि हमें इवेंट ई नहीं चाहिए, मतलब हमें 4 से बड़ी नंबर नहीं चाहिए, ठीक है, तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा, 4 के इक्वल और 4 से छोटा। यही कह रहे हैं कि एफ निकालने के लिए हम नॉट ई करके भी एफ निकाल सकते हैं कि दोनों सेम इवेंट हो जाएंगे। वी डू नॉट द इवेंट नॉट ई को ई बार से, किससे डिनोट करेंगे, ई बार से। ठीक है, तो जो दोनों जो एग्जांपल थे इसमें एफ जो है वो नॉट ई
के ही इक्वल है, नॉट ई के ही सेम है, ठीक है। और नॉट ई को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई बार से, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल रहा है कि जब भी नॉट ई, ठीक है, नॉट ई या ई बार का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी जो वन होगी उसमें से क्या करेंगे, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, ठीक। इन जनरल इज ट्रू दैट फॉर एन इवेंट ई, और ये इन जनरल मतलब सभी के लिए ट्रू है। यदि मतलब किसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी आप गिवन है या फाइंड किए हुए हैं, फिर अगला क्वेश्चन आपसे नॉट ई के बारे में पूछा जाए, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप वन में से इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें। इसे एज ए फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। समझ में आया, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं ये, यदि कोई इवेंट ई है, जैसे हेड गेटिंग हेड, हेड होने की, हेड को आने की जो इवेंट है उसको ई माना गया है, तो हेड ना आने का इवेंट क्या हो जाएगा, नॉट ई, ठीक है। उसे क्या इंग्लिश में डिनोट करेंगे, नॉट ई, इवेंट हेड ना होने के इवेंट को नॉट ई, ठीक है। और इसको किससे डिनोट करेंगे, ई बार से, और हेड नहीं होगा तो क्या होगा, टेल होगा। मतलब कि एफ क्या है हमारा, नॉट ई, इसमें भी वही है। यदि हम इवेंट ई जो ग्रेटर देन फोर ले रहे हैं, इवेंट ई को ग्रेटर देन फोर ले रहे हैं, तो चार से बड़ी जो नंबर है, नॉट ई का मीनिंग ये हो जाएगा कि नंबर चार से बड़ी नहीं होनी चाहिए। नंबर जब चार से बड़ी नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, चार के इक्वल या चार से छोटी, तो नॉट ई हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एफ के, ठीक है। तो जो दो दोनों को सम करके जो वन आया था, तो हम एफ की जगह क्या लिख देंगे, नॉट ई। नॉट ई को किससे डिनोट किया जाएगा, क्या सिंबल है इसका, ई के ऊपर बार लगाएंगे, और जब ये ई बार निकालना जाएगा, मतलब नॉट ई निकालना रहेगा, तो हम इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और इसे वन से माइनस कर देंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इवेंट ई बार या नॉट ई पढ़िए इसको, इसको बोलेंगे इवेंट ई का कम्प्लीमेंट, ठीक है, इवेंट ई का कम्प्लीमेंट या उसका अपोजिट है ये, ठीक है। तो ये हो गया जो इवेंट, जैसे हमें एलिमेंट्री इवेंट वहाँ का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो यहाँ आपको कम्प्लीमेंट्री इवेंट का कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है। किसका समझा रहा है, समझाया गया है कम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का। तो दो इवेंट, ठीक है, दो इवेंट ऐसे जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो, ये ई है, ये नॉट ई है, ठीक है। मान लीजिए ये एफ हुआ, नॉट ई का मतलब एफ था, एफ है तो ये नॉट एफ है। तो ऐसे दो इवेंट को जो एक दूसरे के अपोजिट हो, बिल्कुल अपोजिट हो, कुछ भी कॉमन ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे, कम्प्लीमेंट्री इवेंट। कम्प्लीमेंट्री इवेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसे इवेंट होंगे जिनके आउटकम्स बिल्कुल अपोजिट होंगे, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट अस ट्राई टू फाइंड द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो कम्प्लीमेंट्री इवेंट कैसे फाइंड करना है वो समझ में आ गया, कम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है वो समझ में आया, सिंबल समझ में आया। तो अब आते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई। अब ये जो है कम्प्लीमेंट्री इवेंट समझ में आ गया, ई और ई बार को दोनों को मिला के एक दूसरे को कम्प्लीमेंट्री इवेंट होंगे ये, ठीक है। और अब जो कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है वो इम्पॉसिबल इवेंट के कॉन्सेप्ट समझाया रहा है। किसका कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, इम्पॉसिबल इवेंट। तो कुछ एग्जांपल आपको दे रहे हैं, समझिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8, ठीक है। तो फर्स्ट पढ़ लिया आपने, सेकंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि एक डाई हम थ्रो करते हैं तो उसमें नंबर 8 आने की प्रोबेबिलिटी, और दूसरा जो क्वेश्चन है 7 से लेस नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ से आप इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट इसका कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या होगा इस केस में। तो वी नो दैट देयर आर ओनली 6 पॉसिबल आउटकम। तो जब भी डाई को थ्रो करेंगे 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, दीज आउटकम्स आर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये नंबर आउटकम्स हमारे 1, 2, 6 है। नो फेस ऑफ डाई इज मार्क 8,
उसमें टाइगर किसी फेस में जो सिक्स फेस में उसमें एट मार्क्स नहीं है. सो देर इज नो आउटकम्स फेवरेबल टू एट. जब प्रॉबिलिटी निकालेंगे इवेंट एट इस इवेंट का गेटिंग अ नंबर एट, तो आपको कोई भी फेवरेबल आउटकम नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा. द नंबर ऑफ सच आउटकम्स इज जीरो. ठीक है. इन अदर वर्ड्स गेटिंग एट इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई. ठीक है. तो गेटिंग एट इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई इज इम्पॉसिबल. तो यहाँ आपसे ये मिला कि किसी भी डाई थ्रो कर रहे हैं तो सिक्स से बड़ा कोई भी नंबर बोला जाएगा, वन टू सिक्स को छोड़कर कोई भी नंबर आपसे कहा जाएगा फाइंड करने के लिए, जब वहाँ पे है ही नहीं तो मिलेगा कैसे. तो ये हो जाएगा इम्पॉसिबल. गेटिंग इट ए सिंगल थ्रो डाई इज इम्पॉसिबल. तो प्रॉबर्टी जब निकालेंगे तो जीरो बाई सिक्स दैट इज जीरो. ठीक है. तो ऐसे इवेंट में जो इम्पॉसिबल हो, जिनकी प्रॉबर्टी जीरो आए, ऐसे इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे. समझ में आ गया. ऐसे इवेंट जिनका आउटकम्स जीरो हो, इम्पॉसिबल हो और इनकी प्रॉबिलिटी जीरो हो, तो ऐसे इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे. ठीक है. यही यहाँ पे इन्होंने लिखा है, दैट इज प्रॉबिलिटी ऑफ इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अकर इज जीरो. इवेंट इम्पॉसिबल हो, आउटकम जीरो हो, प्रॉबिलिटी जीरो हो, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट. तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया, एलिमेंट्री इवेंट हो गया और इम्पॉसिबल इवेंट हो गया. ठीक है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे. उन्होंने पूछा था प्रॉबिलिटी चाहिए. इवेंट है हमारा गेटिंग अ नंबर लेस देन सेवन. नंबर हमारा सेवन से क्या होना चाहिए, लेस. ठीक है. तो एवरी फेस ऑफ डाई इज मार्क्ड विथ अ नंबर लेस देन सेवन. जो डाई का जो छः सरफेस है, सिक्स सरफेस है, वो सभी सिक्स फेस में सारे नंबर सिक्स सेवन से छोटे हैं. तो इट इज़ श्योर, ये हो गया श्योर, इट इज विल ऑलवेज गेट अ नंबर लेस देन सेवन. तो जब भी हम थ्रो करेंगे तो ये श्योर मिल गया, सर्टेन हो गया हमारा कि जो नंबर हमें मिलने वाले हैं इट इज़ ऑलवेज लेस देन सेवन व्हेन इट इज़ थ्रो वंस. ठीक है. सो नंबर फेवरेबल आउटकम्स इज द सेम इज द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. तो जो इवेंट, ये इवेंट है, इसके जो आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे, जो टोटल आउटकम्स हैं, पॉसिबल आउटकम्स हैं, दोनों सेम हो जाएंगे. तो विच इज़ सिक्स. तो प्रॉबिलिटी आ जाएगी सिक्स बाई सिक्स दैट इज वन. तो ऐसे इवेंट जिसके जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो टोटल पॉसिबल आउटकम्स के इक्वल हों. ठीक है. ऐसे इवेंट जिसके पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स टोटल पॉसिबल आउटकम्स के दोनों इक्वल हो और जिनकी प्रॉबिलिटी वन हो, तो ऐसे इवेंट को, सच इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट. ऐसे इवेंट को श्योर इवेंट कहेंगे आप और सर्टेन इवेंट कहेंगे, जैसे इस केस में है. नंबर लेस देन सेवन होना चाहिए, नंबर लेस देन एट होना चाहिए, किसी भी नंबर, सिक्स से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ लिख दीजिए. ठीक है. जो जो आउटकम होगा वो सब उस नंबर से छोटे ही होंगे. तो ऐसे इवेंट प्रॉबिलिटी ऑफ इवेंट विच इज श्योर और सर्टेन टू अकर इज वन. ठीक है. जिनकी प्रॉबिलिटी वन हो, जिनके जो फेवरेबल आउटकम्स हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स के इक्वल हों, तो ऐसे इवेंट को श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट. ठीक है. तो समझ आएगा, श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, कम्प्ली इवेंट, कम्प्लीमेंट्री इवेंट, कम्प्लीमेंट, उनको फार्मूला और एलिमेंट्री इवेंट. ठीक है. तो ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए. और क्या क्या कॉन्सेप्ट है एग्जाम्पल नंबर फोर से पहले. फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ प्रॉबिलिटी वी सी दैट न्यूमरेटर नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर. ठीक है. तो न्यूमरेटर जो प्रॉबिलिटी के फॉर्मूले में है, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा या इक्वल हो सकता है, दो ही कंडीशन हो सकती है. तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो इस केस में जैसे इम्पॉसिबल इवेंट में जीरो और श्योर इवेंट में वन और बाकी कंडीशन में वन से छोटा, जीरो से बड़ा, यही प्रोबेबिलिटी हो सकती है. तो टोटल इसका जो रेंज है प्रोबेबिलिटी जो है वो लाई करेगा जीरो के इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू वन. तो ये भी क्वेश्चन आपका वन मार्क्स में हो सकता है. ठीक है. ये याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी जो है हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू वन हो गया. तो ये पॉइंट याद रखिएगा. अब आते हैं किसके बारे में बात करते हैं, कार्ड्स के बारे में. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर फोर से सॉल्व करने से पहले जो कार्ड के बेस पे है क्वेश्चन, तो कार्ड्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं.
ठीक है. नाउ लेट अस एग्जांपल रिलेटेड टू प्लेइंग कार्ड. हैव यू सीन अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड. ठीक है, जो कार्ड खेलते हैं, ताश खेलते हैं, उसकी गेट डेक को आपने देखा है. तो इसमें टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52. इट कंसिस्ट ऑफ 52 विच आर डिवाइडेड इंटू 4 सूट ऑफ 13 कार्ड. ठीक है, तो उसमें ठीक है, तो टोटल कार्ड कितने हैं? 52. उसको चार ग्रुप में बांटा गया है. इसमें इसके चार ग्रुप होते हैं, 13 कार्ड के 4 सूट, मतलब इसके 13 कार्ड के 4 ग्रुप होते हैं. ठीक है, चार अलग अलग ग्रुप में बटे हुए हैं और हर एक ग्रुप में एक 13 कार्ड होते हैं. ठीक है, कौन कौन से ग्रुप हैं, उनका सिंबल क्या क्या, देखिए इनका सिंबल है स्पेड. किस कलर का सिंबल होगा उसे स्पेड का कार्ड कहेंगे. 13 कार्ड इसके हार्ट इस सिंबल का है, 13 कार्ड इसके डायमंड के 13 कार्ड ये सिंबल है इसका, और क्लब का ये सिंबल के साथ 13 कार्ड है. तो ये चार सिंबल समझ, इन चारों सिंबल का क्या नाम है समझ में, ये इंग्लिश में नाम है, हिंदी में इसे शायद हुकुम कहते हैं, ये पान डायमंड को ईट और क्लब को चिड़ी बोलते हैं. हिंदी नाम बता दिया, इंग्लिश नाम आपको ये है लिखा हुआ है, स्पेड हार्ट डायमंड क्लब. ठीक है, हुकुम पान ईट और चिड़ी ये सिंबल हो गए. हाँ, और ये ध्यान रखिए ये सारे ब्लैक नहीं होते हैं, जो भी कार्ड देखे होंगे इनके घर में है तो ये सारे ब्लैक नहीं है. यहाँ तो आपको ब्लैक में दिख रहे हैं, ये सारे कार्ड ब्लैक नहीं होते हैं. किस कलर का वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे. तो ये समझ में आया, टोटल कार्ड 52, 13 के चार ग्रुप होते हैं. ठीक है, और ये चारों पे अलग अलग सिंबल होते हैं, चारों का नाम पता चल गया आपको, स्पेड हर डायमंड क्लब. और ठीक है, तो दो इसमें से लिखा है क्लब और स्पेड, क्लब और स्पेड, ये पहला वाला और चौथा वाला, ये ब्लैक कलर के होते हैं. ठीक है, क्लब और स्पेड जो हैं वो मोबाइल में भी गेम है इसका, प्लेइंग कार्ड का, लैपटॉप में भी, कंप्यूटर में भी आपने देखा होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम होगा. तो ब्लैक कार्ड क्या हो गए? स्पेड और क्लब. ठीक है, हुकुम और चिड़ी, ये आपका ब्लैक कलर का है, काले कलर का है. हार्ट एंड डायमंड, हार्ट और ये डायमंड जिसको पान और ईट कहते हैं वो लाल कलर के हो गए. ठीक है, तो द कार्ड्स इन ईच सूट आर एस. ठीक है, अब 13 कार्ड के बारे में बताया गया कि जो हर ग्रुप में 13 कार्ड हैं वो कैसे कैसे हैं. तो एक जो सूट में, एक ग्रुप में, समूह में जो कार्ड हैं, तो एक एस है जिसको हिंदी में इक्का बोलते हैं, किंग क्वीन जैक. ठीक है, बादशाह बेगम और जोकर या गुलाम. ठीक है, जैक गुलाम, बादशाह बेगम गुलाम, किंग क्वीन जैक और एस, ये चार कार्ड हो गए और बाकी पे नंबर लिखा रहता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो 2 से लेके 10 तक ये 9 कार्ड हो गए और ये 4 13 हो गए, 13 कार्ड हो गए. ठीक है, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, बादशाह बेगम और गुलाम को फेस कार्ड कहा जाता है, इसको फेस कार्ड कहते हैं. और एस को फेस, इसी में कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट को, एस पे नंबर नहीं होता है, उस पर ए लिखा रहता है, तो लेकिन इसको फेस कार्ड नहीं कहते क्योंकि इस पर चेहरा नहीं होता है, सिर्फ ए लिखा रहता है. ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. और इसी ये जो 13 कार्ड जो डिफरेंट टाइप के कार्ड हैं वो सबके ग्रुप के होते हैं, और इसके साथ साथ इस पर इनका सिंबल होता है, और जिस कलर के हैं उस कलर के होंगे. तो ये सिंबल ब्लैक कलर में होगा, ये सिंबल रेड कलर का 13 कार्ड पे होगा, इसका भी रेड कलर का 13 कार्ड पे होगा, क्लब का भी 13 ब्लैक कलर में 13 कार्ड में होगा, इन दोनों का रेड कलर में. तो कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल गया. अब एग्जांपल नंबर 4 करते हैं. ठीक है, थोड़ा सा और अपने से क्वेश्चन यहाँ पे बना लीजिए. तो टोटल कार्ड 52 हो गए, तो ब्लैक कलर के कितने कार्ड हो गए? इसके 13, इसके 13, तो ब्लैक कलर के कार्ड हो गए 26, और रेड कलर के कार्ड भी ये 13 या 13 ये भी 26 हो गया. ठीक, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4. एग्जाम्पल नंबर 4 देख पढ़िए. वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ फेल सफेद डेक ऑफ 52 कार्ड. ठीक है, तो 52 कार्ड में से एक कार्ड हमें निकाला गया है. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द कार्ड विल बी एन एस. एस को हिंदी में इक्का बोलते हैं. ठीक है, तो वो कार्ड एस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है?
नॉट बी एन एस, अभी कंप्लीमेंट्री इवेंट पढ़ा हमने, तो ये इवेंट ई यदि हम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ई, नॉट ई या ई बार, तो कंप्लीमेंट इवेंट हो जाएगा इसका ई का, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट हो जाएगा प्लेइंग कार्ड का और कंप्लीमेंट्री इवेंट का। तो एस की प्रॉबर्टी आपको चाहिए, ठीक है, तो टोटल हमारा पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 52 कार्ड है, सबके इक्वली प्रॉबर्टी है, ठीक है। और ठीक है, एक इवेंट हमारा है गेटिंग, क्या इवेंट है, गेटिंग कार्ड इज एन एस, इवेंट क्या है, कार्ड क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए, इक्का क्या होना चाहिए। तो इक्के कितने हैं, देखिए यहाँ पे क्या कहा था, इसमें सब 13 कार्ड हैं, चार अलग अलग ग्रुप हैं इनका, और सब में एक एस का कार्ड होता है, एक इक्के का कार्ड होता है, तो कितने हो गए, चार। तो नंबर ऑफ पॉसिबल, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज 52 एंड नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई, इवेंट ई कार्ड इज इन एस, तो हो गया 4, तो प्रॉबर्टी होगी 4/52, दैट इज 1/13। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लीजिए, और इसका फिर सेकंड पार्ट जो है नॉट बी एन एस, तो अब जो है कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस, ठीक है। तो एस को छोड़ के टोटल कितने कार्ड हैं, तो टोटल 52 हैं, और एस के कार्ड को निकाल दें तो 48, तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट एफ कितने हो गए, 48, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 52, तो प्रॉबर्टी हो जाएगी 48/52, सिंप्लीफाई करेंगे इसे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 12/13 आ गया। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लेंगे। अब जो कम्प्लीमेंट्री इवेंट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था उससे कैसे सॉल्व करेंगे, रिमार्क में समझाया गया है, जो एफ है, जो इवेंट एफ है नॉट एस, एक इवेंट हमने मिला कार्ड इज एन एस, तो दूसरा जो इसका क्वेश्चन था उसमें कहा था एस नहीं होना चाहिए, तो कार्ड इज नॉट एन एस होने का मतलब क्या हुआ, वो नॉट ई हुआ, मतलब ई बार हुआ, ठीक है। तो एफ हमारा कोई क्या था, इज नथिंग बट ई बार, ठीक है। देयरफॉर वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट प्रॉबर्टी ऑफ एफ, किससे करेंगे, प्रॉबर्टी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1 - प्रॉबर्टी ऑफ इवेंट ई, तो हो गया 1 - 1/13 इक्वल 12/13। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़िए, एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़िए, ठीक है। टू प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच, इट इज नोन दैट प्रॉबर्टी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62, व्हाट इज द प्रॉबर्टी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कम्प्लीमेंट्री इवेंट का कॉन्सेप्ट यूज होगा कि दो प्लेयर यदि खेल रहे हैं तो एक प्लेयर यदि जीतता है तो दूसरा प्लेयर हारेगा, ठीक है। तो संगीता के जीतने की प्रॉबर्टी जो गिवन है 0.62, ठीक है, और रेशमा के जीतने की प्रॉबर्टी हमें फाइंड करनी है, ठीक। यदि इवेंट संगीता का जो विनिंग मैच है इसको इवेंट ई हम लेते हैं तो नॉट ई का मीनिंग क्या हो जाएगा कि संगीता हारेगी, और संगीता के हारने का मीनिंग क्या है कि रेशमा जीतेगी, तो इसको एफ यदि लेंगे तो ये एफ नॉट ई के ही इक्वल है, और नॉट ई को हम इस कम्प्लीमेंट्री इवेंट के फॉर्मूले से निकाल लेंगे 1 - माइनस करके, यही यहाँ समझाया गया है। संगीता का जो इवेंट है विनिंग मैच का उसको एस मान लेते हैं, और रेशमा का आर, इवेंट डिनोट कर रहे हैं संगीता विन द मैच, संगीता विन द मैच और रेशमा विन द मैच रेस्पेक्टिवली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग, ठीक है। तो गिवन है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग पी ऑफ एस इक्वल टू 0.62, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग, रेशमा के विनिंग का मीनिंग क्या होगा, संगीता की हार, संगीता का हारना, ठीक है। तो क्या करें, दोनों कम्प्लीमेंट्री इवेंट हैं इस कारण से इसको क्या करेंगे, नॉट एस निकालेंगे, नॉट एस का क्या मीनिंग होता है 1 - पी ऑफ एस, माइनस करके 0.38 से निकाल लिए। तो इस तरह से हम कम्प्लीमेंट्री इवेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल 5 कम्प्लीट हो गया है।
आप एग्जाम्पल नंबर सीख सकते हैं। कम्प्लीमेंट्री इवेंट आपको किसी भी एग्जाम्पल में क्वेश्चन में समझना होगा कि कोई इवेंट कम्प्लीमेंट्री है या नहीं है। सविता एंड हेमंत हमीदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे। दो दोस्त हैं, दोनों का डिफरेंट बर्थडे की प्रॉबिलिटी, ठीक है, एंड सेम बर्थडे होने की प्रॉबिलिटी इग्नोरिंग अ लीप ईयर। तो लीप ईयर छोड़ना है हमें, ठीक है, मतलब कि नॉन लीप ईयर को कंसीडर करना है जिसमें 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सविता एंड हमीदा, तो आउट ऑफ द टू गर्ल, सॉरी आउट ऑफ द टू फ्रेंड, वन गर्ल से सविता बर्थडे कैन बी एनी डे ऑफ द ईयर। नाउ हमीदा बर्थडे कैन आल्सो बी एनी डे ऑफ द 365 डेज इन द ईयर। तो दोनों का बर्थडे 365 दिन में से कभी भी हो सकता है। तो जो टोटल पॉसिबल हमारा आउटकम है 365, तो इक्वली लाइकली हुआ कि 365 में से हर एक डे, ठीक है, पहला दिन हो चाहे दूसरा दिन हो चाहे तीसरा हो, टोटल 365 डेज जो हैं सब जो है इक्वली लाइकली है, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। अब आते हैं पहला क्वेश्चन, डिफरेंट बर्थडे, ठीक है, डिफरेंट बर्थडे और सेम बर्थडे में कितने दिन हो सकते हैं। सेम बर्थडे 365 दिन में एक दिन होगा, ठीक है, और बाकी 364 दिन 364 डेज में दोनों का अलग अलग दिन बर्थडे होगा। समझ में आया? तो इसमें जो इस इवेंट में जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स है वो सिर्फ वन है, एक दिन ही 365 में से सेम बर्थडे हो सकता है, और ये उस एक दिन को छोड़कर बाकी 364 364 डेज में हमारा इन दोनों का बर्थडे अलग अलग दिन होगा। तो वही है, हमीदा बर्थडे इज डिफरेंट फ्रॉम सविता, ठीक है, हमीदा का बर्थडे जो है वो डिफरेंट हो सविता से। द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर हर बर्थडे, तो जिस दिन सविता का बर्थडे उसको छोड़कर बाकी 364 डेज इसका अलग बर्थडे होना चाहिए, तब दोनों का अलग अलग डिफरेंट बर्थडे हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो प्रॉबर्टी इवेंट हमने ले लिया है हमीता बर्थडे इज डिफरेंट फ्रॉम सविता बर्थडे, तो क्या 364/365। अब आते हैं सेम बर्थडे, सविता एंड हमीदा हैव द सेम बर्थडे। तो पहले बताया 1/365, या आप कम्प्लीमेंट्री से करने चाहें तो ये दोनों इवेंट हमारे कम्प्लीमेंट्री इवेंट हैं। यदि सेम बर्थडे हुआ तो इसमें नॉट लगा के डिफरेंट बर्थडे हो जाएगा, और डिफरेंट बर्थडे हुआ तो नॉट लगा के ये क्या हो जाएंगे, सेम बर्थडे, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कम्प्लीमेंट। तो वहाँ कम्प्लीट इवेंट में भी समझाए थे दोनों के आउटकम में से कोई भी आउटकम्स कॉमन नहीं होगा, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स होंगे, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट आउटकम्स हैं। तो इस तरह से आप कम्प्लीमेंट्री वाले फॉर्मूले भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली 1/365 कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एग्जांपल नंबर 6 हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 7 पढ़िए, देयर आर 40 स्टूडेंट क्लास 10th, ठीक है, किसी स्कूल के क्लास 10th में 40 स्टूडेंट हैं, ऑफ होम 25 आर गर्ल्स एंड 15 आर बॉयज, जिसमें 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। द क्लास टीचर हैज़ टू सेलेक्ट वन स्टूडेंट, ठीक है, उनके जो क्लास टीचर है उनको एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव CR, जिस क्लास मॉनिटर आप लोग भी कहते होंगे, तो क्लास मॉनिटर या क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज करना है। सी राइट द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड। तो उन्होंने क्या किया है, अलग अलग कार्ड पे सबका नाम लिखा, सारे स्टूडेंट का, कार्ड बीइंग आइडेंटिकल, सारे कार्ड एक जैसे थे दिखने में। देन सी पुट कार्ड इन अ बैग एंड स्टीयर फ्रेम थोरोली, उन्होंने एक बैग में रखा और उसे घुमाया, ठीक है। सी देन ड्रॉ वन कार्ड फ्रॉम द बैग, बैग से एक कार्ड निकाला उन्होंने। व्हाट इज द प्रॉबर्टी दैट, प्रॉबर्टी फाइंड करनी है। नेम रिटन ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ गर्ल, तो इसकी क्या प्रॉबर्टी है, जो कार्ड आप निकालेंगे उस कार्ड में एक लड़की का नाम हो, दूसरा क्वेश्चन उस लड़के का नाम होना चाहिए, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन ही है।
तो समझिए, तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट, एंड ओनली वन नेम कार्ड हैज़ टू बी चूजन, केवल एक कार्ड हमें चूज करना है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 14, ये इक्वली लाइकली होंगे, सारे 40 स्टूडेंट्स की सेम प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। नंबर ऑफ आउटकम, हाँ, किसी की ज़्यादा किसी की कम नहीं होगी, सबकी इक्वल होगी 40 स्टूडेंट की। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल फॉर अ कार्ड विद द नेम ऑफ गर्ल, तो टोटल लड़कियाँ कितनी हैं, 25, तो जो इवेंट है गर्ल होने का उसमें फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे हमारे 25। और फिर कार्ड इवेंट हमने मान लिया है, एक कार्ड है विद द नेम ऑफ अ गर्ल, कार्ड के बाद विद द नेम ऑफ अ गर्ल, तो गर्ल्स की प्रॉबर्टी हो गई 25/40, 5/8 चांस जो है कि लड़की का नाम लिखा हुआ कार्ड पे। अगला जो है नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल फॉर अ कार्ड विद द नेम ऑफ बॉय, ठीक है, कार्ड पे लड़के का नाम लिखे होने का टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 15, तो इसका प्रॉबर्टी है 15/40, 3/8, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है प्रॉबिलिटी के, ईजी है, ठीक है। यहाँ भी कम्प्लीमेंट्री इवेंट के वो कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, यदि लड़की लड़के का नाम नहीं होगा तो लड़की का नाम होगा, और लड़की का नाम नहीं है तो लड़के का नाम है, दोनों एक कम्प्लीमेंट्री इवेंट हैं, एक दूसरे के आउटकम्स कॉमन नहीं हैं, ठीक है। तो लड़के का भी हमने निकाल लिया है, या लड़की का निकाल लिया है, तो नॉट बॉय, ठीक है, नॉट बॉय मतलब वह लड़की, बॉय का निकालना तो 1 - नॉट बॉय कर लीजिए, ठीक है, नॉट बॉय का मतलब लड़की हुआ, लड़की होने की प्रॉबर्टी है 1 - 5/8, माइनस करेंगे 3/8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़िए, एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़िए, बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 वाइट एंड 4 रेड मार्बल, ठीक है, एक बॉक्स में 3 ब्लू 2 वाइट 4 रेड मार्बल्स हैं। मार्बल्स आप जानते हैं क्या होता है, जो बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे शीशे की गोलियाँ होती हैं, कंचे भी बोलते हैं उन्हें। तो एक बॉक्स में ये 3 कलर के रेड मार्बल्स हैं। इफ़ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी वाइट ब्लू रेड, एक बॉल निकाला जा रहा है, सॉरी एक मार्बल निकाला जा रहा है, तो वाइट मार्बल, ब्लू मार्बल, रेड मार्बल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 3, 2, 4, तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 9। और सेइंग दैट अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम इन अ शॉर्ट वे ऑफ सेइंग ऑल द मार्बल्स आर इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन, ठीक है। तो यदि टोटल 9 मार्बल्स हैं, टोटल जो सभी मार्बल्स हैं उन सब की निकालने की प्रॉबिलिटी जो होगी सेम होगी, इक्वली लाइकली है। अब आते हैं इवेंट पे, इवेंट हमारा है वाइट, जो मार्बल होना चाहिए वाइट होना चाहिए, मार्बल विल बी वाइट, तो इसको W से, इसको B से, इसको R से डिनोट किया गया है। W डिनोट इवेंट, मार्बल इज वाइट, B डिनोट मार्बल इज ब्लू, R डिनोट इवेंट, मार्बल इज रेड। तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट, W हो गया 2, तो 2/9, ब्लू का हो गया 3/9, 1/3, और रेड का हो गया 4/9, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ W, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इक्वल टू 1, तीनों का ऐड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि वाइट बॉल कितने हैं, 2, तो 2/9, और फिर ब्लू बॉल कितनी है, 3/9, 1/3 हो गया, रेड बॉल कितना है, 4/9, तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन है, सबकी प्रॉबर्टी ऐड कर देंगे कितनी आ जाएगी, 1। हरप्रीत टॉसेस अ 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया जा रहा है, से वन ईच ऑफ RE1 एंड अदर इज द, सॉरी रुपीज़ 1, अदर ऑफ रुपीज़ 2, व्हाट इज द प्रॉबर्टी दैट सी गेट्स एट लीस्ट 1 हेड, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हरमी जो है 2 कॉइन को एक साथ, 2 अलग अलग कॉइन है एक साथ टॉस कर रही है,
एक जो कॉइन है वो 1 रुपये का है और दूसरा जो कॉइन है वो 2 रुपये का है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी गेट्स एटलीस्ट वन हेड? एटलीस्ट वन हेड मतलब कम से कम एक हेड आना चाहिए और एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो एच को हम इवेंट हेड के लिए और टी को इवेंट टेल के लिए डिनोट करते हैं, ठीक है। जब दो कॉइन आप टॉस करेंगे क्या क्या चांसेस है एक साथ, पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? दोनों पे हेड हो जाए, एक पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, दोनों टेल, ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो हमें 4 पॉसिबल आउटकम मिल गए, टोटल पॉसिबल आउटकम मिल गए, विच आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। इन सभी पॉसिबल आउटकम्स के इक्वल चांस हैं होने के, ठीक है। तो इसके सबकी इक्वल प्रॉबिलिटी हो गई 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, तो इक्वल लाइकली का ये मीनिंग था। और पहला जो है एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए, मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए या एक से ज़्यादा। तो यहाँ देखिए ये हेड हुआ, यहाँ पे भी हेड मिल गया और यहाँ 2 हेड मिल गए, तो तीनों फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक। तो कितने टोटल फेवरेबल आउटकम्स हैं? 3, टोटल आउटकम 4, तो आंसर इज 3/4। तो प्रॉबलिटी दैट हरबीत गेट्स एटलीस्ट वन हेड, प्रॉबलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड कितना आ गया? 3/4। मैंने क्या समझाया है? विच आर ऑल इक्वली लाइकली, हेड हेड मीन्स हेड अप ऑन द फर्स्ट क्वाइन से ₹1 एंड हेड अप ऑन द सेकेंड क्वाइन दैट इज ₹2, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली हेड टेल मीन्स क्या होगा? हेड अप ऑन द फर्स्ट क्वाइन, टेल अप ऑन द सेकेंड क्वाइन एंड सो ऑन। ये तो सब मीनिंग बता दिया उन्होंने, क्या मीनिंग है इसका। आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई एटलीस्ट वन हेड, तो क्या क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों हो गए। और नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट इज 3, तो प्रॉबलिटी इज 3/4, ये आंसर हो गया। इस तरह से सॉल्व हो गया ये। और उन्होंने कहा कि हम इसको कम्प्लीमेंट्री का जो फॉर्मूला पढ़ा था, कम्प्लीमेंट्री इवेंट के कॉन्सेप्ट से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड प्रॉबलिटी ऑफ इवेंट ई एज फॉलोज, प्रॉबलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल टू 1 माइनस प्रॉबलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, ठीक है। तो नॉट ई मतलब कि एटलीस्ट एक हेड नहीं होना चाहिए। तो हेड नहीं होगा, एक भी हेड नहीं होगा तो कितने होंगे? नो हेड। नो हेड का मीनिंग हो गया टेल टेल होना चाहिए, ठीक है। जैसे यार टेल टेल, ये कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स, तो 1/4, तो आगे 3/4 इससे भी हो गया, ठीक है। तो आगे देखिए, डिड यू ऑब्जर्व दैट इन ऑल द एग्जाम्पल्स डिस्कस सो फॉर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन ईच एक्सपेरिमेंट वॉज फाइनाइट, ठीक है। सब में फाइनाइट है, हम काउंट कर सकते हैं। If not, check it now. ठीक है। There are many experiments in which outcomes is any number between 2 given numbers. ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होंगे जिनमें हमारा आउटकम है 2 नंबर के बीच में होंगे। और इन विच आउटकम्स इज एवरी पॉइंट विद इन अ सर्कल और रेक्टेंगल, या ऐसा भी आउटकम हो सकता है जो एवरी पॉइंट विद इन अ सर्कल और रेक्टेंगल, सर्कल के अंदर सभी पॉइंट हो सकते हैं, रेक्टेंगल के हो सकते हैं। कैन यू नाउ काउंट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ऐसे केस में क्या हम ऐसे आउटकम्स को काउंट कर सकते हैं? एज यू नो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। यदि हमें पॉइंट काउंट करने के लिए कहा जाए या 2 नंबर के बीच में सारे नंबर काउंट करने के लिए कहा जाए, वो सारे नंबर होते हैं 2 नंबर के बीच में, ठीक है, तो ये सब हम काउंट नहीं कर सकते हैं। दे आर इनफाइनाइट मेनी नंबर्स बिटवीन 2 गिवन नंबर, ठीक है। सारे पॉइंट में नंबर जो होंगे या फ्रैक्शन में जो नंबर होंगे वो इनफाइनाइट होंगे 2 काउंटिंग नंबर के बीच में, 2 इंटीजर के बीच में, ठीक है। दे आर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स विद इन अ सर्किल, सर्किल के अंदर बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट हैं। सो डिफिनीशन ऑफ द थ्योरेटिकल प्रॉबलिटी विच यू हैव लर्न सो फॉर कैन नॉट बी अप्लाइड इन प्रेजेंट फॉर्म, जो भी हमने थ्योरेटिकल प्रॉबर्टी जो क्लास 10 इसमें पढ़ रहे हैं, क्लास 10th के चैप्टर, लास्ट चैप्टर प्रॉबर्टी में, तो वो कैन नॉट बी अप्लाइड इन द प्रेजेंट फॉर्म। इस केसेस में, इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग यूज नहीं अप्लाई कर सकते। व्हाट इज द वे आउट, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं? टू आंसर दिस लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल, तो जहाँ पे काउंटिंग नहीं हो सकती है तो उस केस में हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे? तो ये एग्जांपल जो है 10 में आपको समझाया जा रहा है, ठीक है।
इन म्यूजिकल चेयर गेम पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड, ठीक है, हैज बीन एडवाइज टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट आफ्टर स्टार्ट प्लेइंग। ठीक है, म्यूजिकल चेयर गेम आप जानते हैं क्या होता है, तो 2 मिनट के म्यूजिक के बाद आप पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट्स आफ्टर सी स्टार्ट प्लेइंग। तो 2 मिनट के अंदर हम कभी भी उसको रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग। ऐसी क्या प्रॉबलिटी जो हो जो फर्स्ट हाफ मिनट पहले आधे मिनट में ही उसे म्यूजिक बंद कर दिया जाए, इसकी प्रॉबलिटी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग, पहले आधे मिनट में ही म्यूजिक स्टॉप होने की प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। तो पॉसिबल आउटकम और फेवरेबल आउटकम हमें चाहिए। तो टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 2 मिनट आफ्टर स्टार्टिंग, मतलब 0 से 2 मिनट तक। तो पॉसिबल आउटकम्स आर ऑल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 2, 0 से 2 के बीच में सभी पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं क्योंकि म्यूजिक कभी भी बंद हो सकता है। लेकिन टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होगा, यदि काउंटिंग करने जाएंगे तो उसे हम काउंट नहीं कर सकते, ये समझ में आया। आउटकम्स तो 0 से 2 के बीच में सभी पॉसिबल नंबर हैं जो भी हो सकते हैं इसके अंदर, और कितने होते हैं वो इन्फाइनाइट होते हैं। तो यहाँ तो समझ में आ गया, पॉसिबल आउटकम्स आर ऑल द नंबर्स बिटवीन 0 एंड 2, दिस इज द पोर्शन ऑफ द नंबर लाइन फ्रॉम 0 टू 2। 0 नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करें 0 से 2 में पूरा, ये जितना ये कवर कर रहा है 0 से 2 ये पूरा पॉसिबल आउटकम्स है। ठीक है, ये पोर्शन, ठीक है। इसी तरह से इवेंट ई क्या होगा, इवेंट ई म्यूजिक इज स्टॉप्ड विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट। तो जब इसको इवेंट मानते हैं हम, तो इसका फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन फ्रॉम 0 टू 1/2, 0 से 1/2 के बीच में जितने पॉइंट हैं सब सारे पॉइंट्स सारे नंबर। तो यहाँ भी जब इसके पॉइंट्स और नंबर को काउंट करने जाएंगे तो भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं कितने हैं, ठीक है, इन्फिनाइट होंगे। तो डिस्टेंस फ्रॉम 0 टू 2, तो हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, पोर्शन। पोर्शन का क्या डिस्टेंस है, 0 से 1/2 का फेवरेबल आउटकम्स के लिए, और 0 से टोटल पॉसिबल आउटकम के लिए 0 से 2 का पोर्शन जो है उसका टोटल डिस्टेंस, टोटल पोर्शन टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फ्रॉम 0 से 2 कितना हो गया, 2, और तो वाइल्ड डिस्टेंस फ्रॉम 0 से 1/2 हो गया 1/2। तो यहाँ हम काउंट करके फेवरेबल आउटकम्स एसिस केसेस में, इस तरह के केसेस में जहाँ काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, एसिस केसेस में हम फिर वो पोर्शन लेंगे, वो डिस्टेंस लेंगे। यदि वो किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जो भी डाटा हमारा है स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डिस्टेंस ले लेंगे, पोर्शन का लेंथ ले लेंगे। और जो एग्जाम्पल नंबर लाइन में वो एरिया ले लेंगे उसमें जहाँ हम काउंटिंग नहीं कर सकते। तो वही चीज़ यहाँ किया गया है कि यहाँ काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, तो डिस्टेंस हमने नंबर लाइन का ले लिया, 0 से 2 का क्या डिस्टेंस है 2, और 0 से 1/2 का डिस्टेंस है 1/2। ठीक है, तो ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, वी कैन आर्ग्यू दैट ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 2 एंड फेवरेबल डिस्टेंस इज 1/2। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा था उसको चेंज कर दिया गया है, यहाँ लिखा जाता था आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पर आउटकम्स जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फेवरेबल टू द इवेंट ई एंड टोटल डिस्टेंस इन विच द आउटकम्स कैन लाई 1/2/2, 1/4। यानी कि कहने का ये मीनिंग है, जब हमारे पास आउटकम्स फाइनाइट हो जिसे हम काउंट कर सकते हैं तो हम वो फार्मूला यूज करेंगे, जब हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो हम फार्मूले को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये लेंथ के केस में था, तो डिस्टेंस कवर फाइंड कर लिए हैं। अगला में एरिया है, कैन वी नाउ एक्सटेंड द आइडिया ऑफ एग्जाम्पल 10 ऑफ फाइंडिंग द प्रॉबर्टी एज द रेशियो ऑफ फेवरेबल एरिया। यहाँ पहले दो काउंटिंग नंबर का रेशियो होता था, फिर यहाँ दो डिस्टेंस का रेशियो है, एग्जाम्पल नंबर 10 में दो एरिया का रेशियो मिलेगा हमें, फेवरेबल एरिया टू टोटल एरिया। यही इन्होंने समझाया एग्जाम्पल नंबर 11 में, पढ़िए, मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन, ठीक है, सोन इन फिगर 15.2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट
स्ट्रेस्ड इनसाइड द लेक शोन इन द फिगर। तो एक हेलीकॉप्टर है, ये क्रैश हो चुका है समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन, इस एरिया रीजन में वो कहीं पे क्रैश हुआ है, ठीक है, जो लेंथ 9 किलोमीटर है और इसका जो विड्थ है, चौड़ाई जो है वो 4.5 किलोमीटर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट क्रैश्ड इनसाइड द लेग शोन इन फिगर। तो इस फिगर में कहीं वो क्रैश हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ये बताना है क्रॉस का होना, लेक में क्रॉस होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी आप कुछ काउंट नहीं कर सकते हैं और डिस्टेंस, सिर्फ डिस्टेंस भी नहीं यूज कर सकते हैं एग्जांपल नंबर 10 के साथ। तो हमें यहाँ क्या यूज करना होगा, एरिया, लेक का एरिया डिवाइड बाई टोटल एरिया। जिस इवेंट में की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है उस इवेंट का एरिया और टोटल पॉसिबल एरिया, ठीक है, फेवरेबल एरिया बाई टोटल एरिया। तो हेलीकॉप्टर इज इक्वली लाइकली टू क्रैश एनी वेयर इन द रीजन, कहीं भी इसका क्रैश हो सकता है। तो ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट, एरिया ऑफ द इंटायर रीजन वेयर द हेलीकॉप्टर कैन क्रैश, ठीक है। तो टोटल रेक्टेंगल का एरिया 4.9 × 9 कितना हो गया, 40.5 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब लेक का एरिया देख लीजिए, लेक का एरिया टोटल 9 है लेंथ, यहाँ तक 6 है, तो ये लेंथ हो गया 3 और इधर से टोटल है 4.5, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो कितना हो गया 2.5। ये भी रेक्टेंगल है 3 बाई 2.5 का, ठीक है। तो एरिया ऑफ द लेक क्या हो जाए, आया 2.5 × 3, तो उनको लेंथ भी मिल गया, तो 7.5। तो एरिया ऑफ हेलीकॉप्टर क्रैश्ड इन द लेक प्रॉबिलिटी, तो कितना 7.5 / 40.5, 10 सेंटू करके पॉइंट सम वो कर दिए, ख़त्म कर दिए, 75/405 कितना आएगा, 5/27 सिंप्लीफाई होकर। तो ये समझ में आ गया आपको। तो सिर्फ फाइनल नंबर होगा तो हम यूज कर लेंगे, फिर डिस्टेंस का होगा तो एग्जांपल नंबर 10 जैसा करेंगे, एरिया के फॉर्म होगा तो एग्जांपल नंबर 9 जैसा करेंगे। अब एग्जांपल नंबर 12 पढ़िए। कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स, एक कार्टून में 100 शर्ट्स है, ऑफ विच 88 आर गुड, 8 हैव माइनर डिफेक्ट, 4 हैव मेजर डिफेक्ट। तीन तरीके का शर्ट है उसके अंदर, 88 जो अच्छे हैं, 8 में जो है वो थोड़ा सा खराबी है और 4 में ज़्यादा खराबी है। जिमी या ट्रेडर, ठीक है, विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड, बट सुजाता एनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट। तो दो तरह के हमारे ट्रेडर हैं, जिमी और सुजाता। जिमी जो है केवल अच्छे शर्ट को एक्सेप्ट करेगा, लेगा, और सुजाता जो है वो केवल ख़राब शर्ट जो मेजर डिफेक्ट है इनको नहीं ले। तो जिमी जो शर्ट को खरीदेगा वो सिर्फ 88 को, और जो सुजाता है वो केवल 4 मेजर डिफेक्ट को नहीं खरीदेगी, बाकी को वो लेगी। वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी, जिमी को एक्सेप्ट होना चाहिए प्रोबेबिलिटी। तो टोटल हमारे आउटकम्स कितने हैं, 100। वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून 100 शर्ट, देयरफॉर 100 इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल जो एक्सेप्टेबल है जिमी के वो कितने हैं, केवल 88 है, क्योंकि वो केवल अच्छे कपड़े लेगा, ठीक है। देयरफॉर पी शर्ट इज एक्सेप्टेबल जिमी, 88/100 टू पॉइंट में करेंगे 0.88 आ जाएगा। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू सुजाता, तो वो क्या करिए, मेजर जो डिफेक्ट है उनको छोड़ती है, वनली रिजेक्ट, तो उसे रिजेक्ट करेगी, तो टोटल 88 का सेट हो जाएंगे, 96 को वो एक्सेप्ट करेगी। तो शर्ट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता, 96/100 = 0.96। एग्जाम्पल नंबर 13 पढ़िए। टू डाइस, वन ब्लू वन ग्रे, ठीक है, दो तरह का डाइस है। ठीक है, एक ब्लू कलर का एक ग्रे कलर का, आर थ्रोन एट सेम टाइम, एक साथ फेंके जा रहे हैं। राइट डाउन द ऑल पॉसिबल आउटकम, सारे पॉसिबल आउटकम लिखना है पहले। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज, ठीक है, जब दोनों डाइस फेंकेंगे तो दोनों पे अलग अलग नंबर आएंगे, तो उनका जो सम होगा
दोनों टाइप पर वो सम 88 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सॉरी 8 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 13 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 12, 12 और 12 से कम होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो तीन इवेंट दिए दिए हैं, तो पहले तो हमें पहला क्वेश्चन यही लिखना है, राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम, सारे पॉसिबल आउटकम लिखने हैं, ठीक है। तो व्हेन ब्लू डाई इज शोन वन, द ग्रे डाई कुड शो एनी वन ऑफ द नंबर 1, 2, 6। यदि वन इस पे आ रहा है तो वन के साथ ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है। सेम इज ट्रू व्हेन द ब्लू डाई शो 2, 3, 4, 5 और 6, ये वन के साथ हुआ है तो सेकेंड नंबर के साथ भी होगा, थर्ड के साथ, 4, 5, 6, ये बाकी नंबर के साथ भी होंगे। तो पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर लिस्टेड इन द टेबल बिलो, अगले नेक्स्ट पेज पे है। फर्स्ट नंबर इन ईच ऑर्डर्ड पेयर इज द नंबर अपेयरिंग ऑन द ब्लू डाई एंड द सेकेंड नंबर इज दैट ऑन द ग्रे डाई। तो कह रहे हैं कि जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा हमें नंबरों का, उसमें फर्स्ट नंबर जो है वो रिलेटेड टू ब्लू डाई होगा, अपीयर्ड ऑन द ब्लू डाई, और सेकेंड नंबर जो है वो रिलेटेड टू ग्रे डाई होगा, अपीयर्ड ऑन द ग्रे डाई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए, ठीक है, एक हम क्या करें, एक दो डाई हैं, एक डाई को ब्लू डाई लेते हैं, एक डाई को ग्रे डाई। तो इस पर भी 6 नंबर है, इस पर भी 6 नंबर है, 1, 2, 6 नंबर है। तो पहला पॉसिबल ये है, इसके 1 के साथ क्या क्या कम्बिनेशन हो सकता है, 1, 2, 6, ये 6 कम्बिनेशन हो सकते हैं। सेकेंड नंबर के साथ भी 6 कम्बिनेशन हो सकते हैं। तो ये सब एक ऑर्डर्ड पेयर तैयार हो रहे हैं। कितने ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, काउंट करेंगे, 36, 6 × 6 = 36। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 36। तो जब इस तरह से नोट दैट पेयर 1, 4 इज डिफरेंट फ्रॉम पेयर 1, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये दोनों डिफरेंट हैं। द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6 × 6 = 36। ये याद रखिए, एक डाई को दो बार फेंकेंगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6 × एक डाई को दो बार फेंकें या दो डाई को एक बार फेंकें, दोनों का आउटकम सेम होगा, पॉसिबल आउटकम सेम होगा। जैसे दो डाई को एक साथ फेंक रहे हैं, 6 × 6 कितने आउटकम्स हो गए, 36 है। इसी तरीके से तीन डाई को एक साथ आप फेंकेंगे तो 6 × 6 × 6, चार डाई को एक साथ फेंकेंगे तो उनका टोटल पॉसिबल आउटकम 6 × 6 × 6 × 6, मतलब 6 को 6 चार बार इंटू करना है आपको, समझ में। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कैसे फाइंड करना है आपको, तो आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट, सम ऑफ द टू नंबर इज 8। देखिए इसमें, देखिए 8 सम आना चाहिए, सॉरी 8 जो सम है वो 8 आना चाहिए। तो ये देखिए, इसका सम 2 है, इसका 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 यहाँ नहीं है। फिर यहाँ देखिए 3, 4, यहाँ 5, ये 6, 7, 8 यहाँ आ रहा है। इसी तरह से यहाँ देखेंगे तो इसका 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ, ये 9 हो गया, तो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। यहाँ देखिए 5 है, ये 6 है सम, यहाँ 7 है, ये 8 है, ये 9 है, 10 है, तो ये आ गया 8, 3 मिल गए। ये भी 8 आ रहा है, ये भी 8 आ रहा है, ये 6 आएगा, ये 7 आएगा, ये 9, ये 10, ये 11, ये 7, ये 8 हो गया, ये 9, ये 10, 11, ये 12। सम जो मैक्सिमम है 12 है, और मिनिमम सम जो है वो 2 है, ये याद रखिए, मैक्सिमम 12, मिनिमम 2। तो जो 8 का सम है, कितने ऑर्डर पेयर मिला है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 फेवरेबल आउटकम्स हैं हमारा। द आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट, सम ऑफ द टू नंबर इज 8, डिनोटेड बाई 2, 6, 3, 5, ठीक है, 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2, तो 1, 2, 3, 4, 5, द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई इक्वल टू 5, तो प्रॉबिलिटी हो गई 5/36। तो समझ में आ गया कैसे हुआ है। अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट, 13 हो जाए, सम कितना होना चाहिए, 13। तो इसे बताइए, मैक्सिमम तो जो सम है वो कितना है, 12 है, और 12 से ज़्यादा सम नहीं हो सकता, तो कौन सा इवेंट हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। तो इन कैन यू सेंड फिगर, देर इज नो आउटकम फेवरेबल टू इवेंट है, द सम ऑफ द टू नंबर इज 13, क्योंकि मैक्सिमम सम तो 12 है, 12 से ज़्यादा होगा, बाकी सब तो देखिए कम है, 12 से नीचे 11 है, 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, इधर भी देखिए 12 है,
ये सॉरी 11 है, 10 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 7 है, तो 12 से मैक्सिमम सम नहीं है, 12 से बड़ा कोई सम नहीं है, इसलिए इम्पॉसिबल इवेंट है। इसका आउटकम्स फेवरेबल आउटकम 0 है, तो प्रॉबर्टी हो जाएगी 0, 0 बाई 36 इज 0, ये आ गया आपको। तो थर्ड है लेस देन आर इक्वल टू 12। सारे जो सम दिखा रहे हैं, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सम हो गया। यहाँ भी देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 3 यहाँ से 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे पूरा आप देखेंगे 36 का सम 2 से स्टार्ट हो रहा है और 12 तक जा रहा है। सारे 12 के इक्वल हैं या 12 से छोटे हैं, सारे सम जो हैं 12 के इक्वल हैं या 12 से छोटे हैं, तो फेवरेबल आउटकम जो है वो टोटल पॉसिबल आउटकम दोनों इक्वल हो गए। तो ये दिखा रहा है एज यू कैन सी फ्रॉम फिगर ऑल आउटकम्स आर फेवरेबल टू द इवेंट जी सम ऑफ द टू नंबर्स इक्वल टू लेस देन 12। तो ये हो गया आपका स्वेयर इवेंट या सर्टेन इवेंट जो आपने पढ़ा था, जिसमें क्योंकि उनको कहते हैं जो उनका फेवरेबल आउटकम किसके इक्वल हो जाए, ऑल पॉसिबल आउटकम्स के प्रोबेबिलिटी बनाएगी। तो ऑल इसके जो आउटकम्स हैं वो 36, टोटल पॉसिबल आउटकम 36, दोनों डिवाइड करेंगे आएगा 1। तो ये आपको समझ में आया, तो इस तरह से सॉरी एज यू कैन सी फिगर आउटकम्स ऑफ फेवरेबल टू द इवेंट जी सम ऑफ द टू इवेंट्स लेस देन इक्वल टू 12, 12 से कम या 12 के बराबर जो सम है उस सारे फेवरेबल आउटकम्स हमारे टोटल आउट पॉसिबल आउटकम्स से इक्वल हैं 36 के, 36 बाई 36 इक्वल टू 1। ये हमारा स्वेयर इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट। एक मिल गया इम्पॉसिबल इवेंट, दूसरा मेरा हमारा सॉरी एक इवेंट मिला स्योर इवेंट सर्टेन इवेंट, दूसरा इम्पॉसिबल इवेंट, और ये हमारा सम 8 आया है। इसी तरह कोई भी सम आपसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन में, 2 के लिए पूछ सकता है, तो 1 बाई 36 ये हो जाएगा, और इस तरह से एक इसका आ जाएगा 3 के लिए पूछेगा तो 2 बाई 36 हो जाएगा, 4 के लिए पूछेगा तो कितने इवेंट आएंगे इसे ये लाइन हो जाएगी आपकी 3 बाई 36, फिर 5 के लिए पूछेगा तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 4 बाई 36, 6 लिए कहेगा तो 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 5 बाई 36, और 7 के लिए पूछेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 बाई 36, और 8 का निकाल लिया हम लोग, 9 के लिए करेंगे तो ये चारों हैं 4 बाई 36, फिर 10 के लेंगे ये 3 बाई 36, ये 2 बाई 36, ये 1 बाई 36। तो इस तरह से ये जो 13 एग्जाम्पल थे प्रोबेबिलिटी चैप्टर के वो कंप्लीट हुए हैं, और दोनों कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन का, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का, और फिर जो भी रिमार्क में जितने कॉन्सेप्ट हमें मिल रहे थे इवेंट्स से रिलेटेड वो सब हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 15.1, ठीक है, ये एक्सरसाइज 15.1 हम सॉल्व करेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन हैं, और एक्सरसाइज और है 15.2, उसमें भी 5 क्वेश्चन है, इन दोनों की एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं सॉल्व, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक सेट, और ये आपका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन सब होंगे इसके अंदर, ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।